नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल भारतीय फार्मर में। तो बात करने वाले हम आज के इंदौर मंडी के भाव के बारे में। आज 28 अक्टूबर हो चुका है और आज जो भाव खुला है हमारा इंदौर मंडी का, वो कल के इकट्ठे अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे हैं। आपको पता है कि 27 तारीख का जो भाव था वो 1500 रुपये मंदा रहा है हमारा प्याज का, यानी कि 5100 तक आ चुकी थी मंडी, 6500 से 5100 तक आ गई थी। और आज अगर देखें तो थोड़ा, अगर कल का माल बिक जाता है तो थोड़ा भाव आज बढ़ने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। आज 1550 न्यूनतम से लेकर 6000 रुपये तक हमारा प्याज इंदौर मंडी में बिक रहा है। और मुझे लगता है कि आज 500 रुपये की या थोड़ी बहुत आज तेज़ी रहेगी। लहसुन की अगर हम बात करें तो 7500 से 9000 रुपये आज लहसुन रही है। और आलू वही कल वाला भाव है, 1600 से 2800 रुपये आलू देखने को मिला है। अगर प्याज बेस्ट की बात करें तो अधिकतम जो गया है वो हमारा 5500 से 6000 तक गया है। मतलब कि अगर हम 27 तारीख की बात करें तो कुल 1500 रुपये मंदी हो गई थी कल, लेकिन आज थोड़ी तेज़ी देखने को मिले। पर अगर ये माल नहीं निकलता है और आज और माल आ जाता है तो आज फिर से मंदी आपको प्याज में देखने को मिलेगी इंदौर की। और अगर इसकी हम लहसुन की बात करें तो लहसुन कल जैसा ही भाव है, 9000 तक आज हमारी लहसुन बिकी है। तो अगर आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए इंदौर मंडी का तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।